बहुत अच्छा म्यूजिक दिया है मैंने, थोड़े देखे प्रिंट भी देखा, सम आई सॉ सम सॉन्ग्स, दे आर ब्यूटीफुल एंड डेजी एंड द गर्ल्स, एवरीबॉडी इज रियली गुड एंड ग्रेट, म्यूजिक इज रियली गुड. आई ऑलवेज फील के न्यू कमर्स दे नीड लॉट ऑफ ब्लास्टिंग्स, लॉट्स ऑफ लव, एंड लेट्स ऑल प्रे फॉर देम, लेट्स प्रे दैट फिल्म शुड बी अ बिग हिट. दीज न्यू बॉयज girls, they should be big hit. Good luck. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरे बहुत प्यारे दोस्त थे. मुझे इसका दुख बहुत ही है, आज मैं खंडाला फार्म पे था, वहाँ पता चला मैं आज ही आया हूँ. तो आप कल उनसे मिलने जाएंगे? जी नहीं, मैं जाऊँगा कल उनसे, बेचारे उनके उनके परिवार से मिलूँगा. लोग जो मेरी बहुत फैमिली रिलेशन थे उनसे, शुरू से ही समाधि की थी फिल्म, लेकिन we were very close friends. It's very sad. We have lost a good director, good human being, a good industry. It's a big loss to the industry. Okay? Chalo, theek. Sir, last year, you were standing in the election. Don't talk to me about Chunao. I don't know what Chunao is. Talk only about Aishwarya. We are here for that. Elections ke results ke bare mein aap kya kehna chahenge? Kiske bare mein? Elections ke jo results aaye hain. I'm happy that one party has come up. And it should remain one. तो आप इसमें जो youth factor था? ये बोला आपने youth factor, that factor. Let's pray this is a good thing has happened. Okay? And India needs one party. Whosoever comes, they should first be Indian. And I'm sure Manmohan Singh is a great Indian. Under his guidance, India will definitely lead. I have great respect, great affection for this gentleman. जिनका नाम मनमोहन सिंह जी है, मैं उनसे दो तीन दफ़ा मुलाकात भी हुई है, कई दफ़ा. आई हैव ए ग्रेटर ग्रेटर फीलिंग फॉर हिम. ओके सर, आप इतने साल से इंडस्ट्री में आप रहे हैं, इतने जनरेशन को देखा है, आपको कैसा लगता है जब इस जनरेशन को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है, इतनी सारी फिल्म्स बन रही हैं यंगस्टर्स के साथ? मुझे आज भी लगता है मैं आज भी छोटा ही हूँ, आज भी आई एम स्टिल ए न्यू कमर. मैं बोला ना, मुझे हमेशा ये लगता है कि मैं न्यू कमर हूँ. आई एम रियली न्यू कमर, आई नीड गुड ब्रेक स्टिल. ओके टीम इंडिया को आई विश फ्रॉम माय हार्ट दे शुड विन एंड दे विल विन. ओके ऑल द बेस्ट. क्या राज है इतने फिटनेस का? आपका प्यार, मैं क्या है, मैं प्यार लूटता हूँ, सच्ची लूटता हूँ, और मुझे मिलता है. मैं यहाँ से नहीं, यहाँ से बात करता हूँ, मैं दिल से बात करता हूँ हमेशा, और दिल की बात छूती है. मेरे ख्याल से आप सबको भी छू रही होगी, और ये मेरा, मैं कोई बनावट नहीं है इसमें, ये कुदरत की देन है, एक फितरत है, मालिक ने बख्शी है. मैं बड़ा किस्मत वाला हूँ कि मोहब्बत मेरी फितरत में है, और ये फितरत कभी बदलती नहीं. कैसा लग रहा है देख के आजकल के यंगस्टर्स हैं? पहले अगर देखा जाए तो आपने ही बॉडी बिल्डिंग का या उनका ट्रेंड शुरू किया, तो कैसा लगता है जब आज की अच्छी बहुत अच्छा लगता है ना. ऑल यंगस्टर्स दे आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस, एंड आई फील सो गुड दैट ऑल अराउंड एवरीवेयर यू फील वेरी हेल्दी बॉयज, गुड लुकिंग बॉयज. अभी मेरी और बॉबी की फिल्म चीयर्स शुरू हो रही है. बाप बेटे दारू पियेंगे, नाचेंगे गाएंगे, झगड़ा करेंगे, बहुत प्यारा है. इट्स वेरी गुड कॉमेडी, और विल स्टार्ट सून. डायरेक्ट कर रहे हैं संगीत सेवन. इट्स अ गुड कॉमेडी, एंड आई थिंक आई कैन डू गुड, आई कैन प्ले गुड रोल. मैं तो सोचता हूँ फिर से छोटा जो हर एक के साथ रोमांस करना चाहता हूँ. मैं क्यों बड़ा हो गया इनको देख के ऐसे लगता है.